पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद हो रही है काउंटिंग, जो रुझान और नतीजे सामने आए हैं उससे तस्वीर अभी साफ नहीं हो रही, लेकिन जेल में बंद इमरान खान के निर्दलीय समर्थक लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी को कड़ी टक्कर मिल रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कई केसों में जेल की सजा काट रहे हैं, लेकिन आवाम के बीच उनकी लोकप्रियता अभी भी कम नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में हुए आम चुनाव के जिस तरह नतीजे सामने आ रहे हैं उससे इमरान के समर्थकों का बोलबाला दिख रहा है। चुनाव आयोग ने इमरान की पार्टी का सिंबल फ्रीज कर दिया था, जिसमें इमरान खान के समर्थक नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक कई निर्दलीय जीत चुके हैं तो कई आगे चल रहे हैं, स्पष्ट जनाधार भी नहीं दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक बार फिर पाकिस्तान में राज करने के मकसद से अपने मुल्क पहुंचे, लेकिन जादुई आंकड़े तक पहुँच पाना उनके लिए मुश्किल होता दिख रहा है। उससे निर्दलीय नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PP को कड़ी टक्कर दे रही है। पाकिस्तान में किसकी सरकार बनेगी इस पर कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगा। वहीं जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने आम चुनाव में जीत का दावा किया है। चुनाव में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नतीजों में गड़बड़ी करने के लिए नतीजों में देरी की जा रही है। पाकिस्तान के आम चुनाव में लाहौर सीट से नवाज शरीफ जीत गए हैं। यहां उन्हें 55,000 वोटों से जीत मिली है। नवाज शरीफ लाहौर की NA 130 सीट से जीते हैं, लेकिन नवाज शरीफ मनसेहरा की NA 15 सीट से हार गए हैं। यहां निर्दलीय उम्मीदवार ने उनको शिकस्त दी है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज लाहौर NA 119 सीट से जीत गई हैं। PPP नेता बिलावल भुट्टो जरदारी को चुनाव में जीत मिली है। बिलावल शहादात कोट सीट से जीते हैं। वहीं इस बार चुनाव में आतंकियों की भी भरमार है, लेकिन लाहौर की आवाम ने आतंकी हाफिज सईद को बड़ा झटका दिया है। तलहा नवाज शरीफ के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, लेकिन वो हार गया। चुनाव नतीजों में देरी के बीच इमरान खान की पार्टी PTI के समर्थक अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रही हैं। कार्यकर्ताओं की मांग है कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द नतीजे घोषित करे। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं, 265 सीटों पर चुनाव हुए हैं, बाकी सीटें आरक्षित हैं। अब सवाल है कि अगर निर्दलीय PTI समर्थक सरकार बनाते हैं तो इमरान खान का क्या होगा, क्योंकि अभी वो सलाखों के पीछे हैं। ये भी देखना अहम होगा कि क्या इमरान को कानून से राहत मिलेगी, और सबसे बड़ी बात सेना का साथ किसे मिलेगा, क्योंकि सेना की कृपा से ही यहाँ कमान मिलती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।